डेड बॉडी नहीं मिली। आप लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब जनता दल की अल्पसंख्यक की महामंत्री जो बीजेपी में 9 साल से कार्यरत थी, आप उसको जानते हैं, नितिन गडकरी जी उनको जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस जानते हैं, मैं हर नेता के पास गई, आज बीजेपी के नेताओं ने उनके लिए क्या किया। नागपूरच्या भाजप पदाधिकारी सना खान यांच्या हत्येला 4.5 महिने पूर्ण झालेत, मात्र अद्यापही सना खान यांचा मृतदेह पोलिसांच्या हाती लागला नाही। आरोपी जे आहेत ते पोलीस कोठडीत आहेत, पोलिसांच्या ताब्यात आहेत, मात्र सना खानचा मृतदेह अद्यापही त्यांच्या घरी आला नाही, त्यांचं अस्थिविसर्जन झालं नाही। हा खंत जो आहे तो सना खान यांची आई मेहरुनिसा खान यांच्या मनात आहे कायमचा। आज त्या थेट येऊन पोहोचलेल्या आहेत नागपूरच्या विधानभवनामध्ये। यापूर्वी अगदी 4 दिवसांपूर्वीच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे मेहरुनिसा खान या तक्रार घेऊन गेलेल्या होत्या आणि कंप्लेंट केली एकंदरीतच। मात्र आता सध्या त्यांचं काय म्हणणं आहे, त्यांची काय मागणी आहे, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। मेहरुनिसा जी, आप 4.5 महिने से लगातार मांग कर रहे हैं कि सना की जो डेड बॉडी है वो आप तक, आपके घर तक पहुंचाए, आपको अस्थि विसर्जन करना था उनका, या आप गुहार लगा रहे थे, आपने बावनकुले जी से बात की, क्या बात हुई, क्या लगता है, अभी आप विधान भवन में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मांग है आप? देखिए, आज मेरी जो बेटी थी सना खान, वो बीजेपी पार्टी की अल्पसंख्यक की शहर महामंत्री थी और वो पिछले 9 सालों से जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। आज 4.5 माह हो गए सना हत्याकांड को, जिसमें 5 मुख्य आरोपी जो है सेंट्रल जेल में है। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ के अपने जो उप मुख्यमंत्री है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जो होम मिनिस्टर भी है, पालक मंत्री भी है, उनसे जाके मिली। मैं संदीप जोशी जी से मिली और मैंने उनसे ये गुहार लगाई कि जब महाराष्ट्र में भी जो है वो बीजेपी की सरकार है और एमपी में भी है जो बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ का पुलिस प्रशासन हमें मृतक देह ढूंढने में जो है कोई मदद नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ की सरकार से बात कीजिए। तो हमको सना खान की 4.5 माह बीत जाने के बाद भी डेड बॉडी नहीं मिली है और आज हमारा परिवार जिस भी हालात से गुजर रहा है ये सभी अच्छे से जान सकते हैं। आज बहुत ही निर्ममता से मुख्य आरोपी अमित साहू ने उसकी निर्मम हत्या करके वो कहता है कि मैंने जो बॉडी है हिरन नदी में फेंक दिया, लेकिन हम आरोपी की बात क्यों माने, हम कैसे विश्वास करें कि उसने वो डेड बॉडी को नदी में ही फेंका है। हो सकता है उसने जला दिया, हो सकता है उसने वहां के बड़े बड़े जंगलों में दफना दिया, हो सकता है कि उसने उसको जो है घाटियों में फेंक दिया हो। तो मैंने यही मांगनी करी थी यहाँ के होम मिनिस्टर, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री, अपना उप मुख्यमंत्री है उनसे, कि जो सना खान की डेड बॉडी ढूंढने में हमारी मदद करे। लेकिन बीजेपी के नेताओं के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी, उन्होंने हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं की। बावनकुले जी से आपने बात की थी, आपके हाथ में पत्र था, आपने वो पत्र उन्हें सौंपा, क्या लिखा था पत्र में, क्या उनके तरफ से आपको कहा गया, कुछ आश्वासन मिला, क्या कहा जी? नहीं, देखिए, मैं बावनकुले जी को डेपुटेशन देने नहीं आई थी, मैं देवगिरी में मिलने किसी गई थी और वहाँ जब बावनकुले जी जो बढ़ चढ़ के बता रहे थे, तो मैंने बावनकुले जी का घेराव किया और मैंने कहा कि आपकी पार्टी, आपके जो प्रधानमंत्री है देश के मोदी जी, और आपके पार्टी का हर नेता कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपके राज में आपके बीजेपी पार्टी की जो नेता है, जब वही सुरक्षित नहीं है, उसी की आज हत्या निर्ममता से की गई है, और जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दोनों राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है और वो बीजेपी की नेता थी, तो हम क्या समझे फिर एक आम जो लड़की है उसके बारे में क्या होगा। तो ये जितने भी नेता है, जितने भी पदाधिकारी है, आज तक कोई मुझसे मिलने नहीं आया, किसी का मुझे किसी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं रहा, तो ये लोग सिर्फ आश्वासन देना चाहते हैं। उस दिन आपने देखा होगा जब मैंने बावनकुले जी से बात की, तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, देखिए मैडम 4 बजे मैं जो हूँ कमिश्नर के ऑफिस में आता हूँ, आप वहीं आइए वहीं आइए। और आप यकीन मानिए, आप पूछ सकते हैं पीआई अजय चौहान जो कमिश्नर ऑफिस में असिस्टेंट है, उनसे मैं 4 बजे से 8:30 बजे तक के जो है सीपी ऑफिस में रही, बावजूद इसके ना वहाँ पर बावनकुले जी आए। और बावनकुले जी का जो पीए था, बावनकुले जी का पीए था, उसको मैंने 9 फोन लगाई, लेकिन उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने देवेंद्र फडणवीस जी को उसी दिन फोन किया, तो देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं मैं 25 तारीख के बाद मिलूंगा, तो मैं क्या समझूं, क्या इनसे न्याय की गुहार लगाऊं?
फिर मैंने पुलिस प्रशासन से, जो सीपी साहब है, उनसे मिली, उन्होंने अपने तरफ से भरसक कोशिश की है। मैं ये नहीं कहती कि हमको नागपुर पुलिस का सपोर्ट नहीं है, हमको मदनेर साहब का, हमको हमारी शुभांगी मैडम का, हमको हमारे पुलिस कमिश्नर जी का भरपूर सहयोग है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन बॉडी ढूंढने में असमर्थ रही। आज 4.5 महीने हो चुके हैं और बेटी के तलाश में आज भी आप दर दर भटकती है। हमने आपका कंटिन्यूएशन में फॉलोअप किया है, इस खबर को लेकर हम लगातार आपके पास आपसे बातचीत करते आए हैं। आज भी अस्थि विसर्जन आप नहीं कर पाए, आज भी अंतिम दर्शन आप अपनी बेटी का नहीं कर पाए हैं, क्या लगता है कितने दिन और ये इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, ये जो पांचों आरोपी है, सबसे तो पहले मैंने पुलिस प्रशासन से और भाजपा के हर नेता से ये गुहार लगाई थी कि ये जो पांचों आरोपी है उनके ऊपर मैं 302, 201, 120B, 504, 506 और 34 की कलमें लगी है, जिसके ऊपर में 201 की कलमे में रब्बू यादव भी शामिल है। तो और रब्बू यादव पे जो है ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का है, ये रेत माफिया है। उसके अलावा जो है ये अमित साहू है, इस पे 2 मर्डर है, धर्मेंद्र पे 307 है। ये सब होने के बावजूद जो है हमने यही बोले थे कि जब तक कि मुझे मेरी बेटी की डेड बॉडी नहीं मिलती तो इनकी किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए। एक बार नागौरे मैडम ने जमानत रिजेक्ट करने के बावजूद कुलकर्णी साहब ने उनको जमानत दी और अभी मैंने हाई कोर्ट को चैलेंज किया है। रब्बू यादव की बेल को लेके मैंने हाई कोर्ट को चैलेंज किया है और मैं पुलिस प्रशासन से और जो बीजेपी के नेता है उनसे यही कहूंगी कि मुझे जब तक के मेरी बेटी की डेड बॉडी नहीं मिलती, एक परिवार, एक बच्चा जो 13 साल का है, जो अपने माँ के बिना अनाथ हो चुका है, एक माँ जिसको जान ना, मेरी बेटी को कब्र मिली, ना कफन मिला, ना कांदा मिला, तो हमारे परिवार पे क्या बीतती होंगी। मेरी बेटी बहुत ही डैशिंग और बहुत ही पावरफुल लड़की थी। आज पैसे को लेके, जेवर को लेके अमित साहू ने उसकी जो है एक प्लान बना के, और ये प्लान में पांचों आरोपी शामिल है। तो मैं यही कहूंगी कि जब तक के मेरी बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिलती, अभी किसी आरोपी को जो है जमानत नहीं दी जाए। और दूसरा, ये आरोपी जो है ये इनका क्राइम चार्ट निकाला जाए, क्योंकि इनका यूपी में टाडा लगा है और ये सब एक दूसरे के साथ में जो है सेंट्रल जेल में मिले, एक दूसरे के अपराध में लिप्त है। तो इन लोगों पे मौका लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज के लिए घातक है। जिस वक्त 2011-12 में अमित साहू ने जो है 2 मर्डर किए थे, उस वक्त अगर इनको आजीवन कारावास हो जाता तो शायद मेरी बेटी की जान नहीं जाती। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज जो नेता है, आज यहाँ भी जो है बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है। मैंने जो है सीएम साहब को एक लेटर लिखा है, एकनाथ शिंदे साहब को, और मैं सचिवालय जाके उनके जो पीए है गगनानी उनसे मिली हूँ, और मैं आपको ये चैलेंज कर रही हूँ कि यहाँ जब तक के विधानसभा है, अधिवेशन है, अगर 20 तारीख तक के मेरी बेटी के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मैं कुछ ऐसा एक्शन लूंगी जो बीजेपी पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा विधानसभा के सामने। तर आपण बघितलं मेहरुनिसा खान या काहीतर आक्रमक पण आहेत, काहीतर इमोशनल पण आहेत, कारण त्यांनी त्यांच्या मुलीला गमावलेला आहे। सना खान या भाजपच्या कार्यकर्त्या होत्या नागपुरात आणि 4.5 महिन्यापूर्वी त्यांची हत्या झाली आणि अमित साहू हा मुख्य आरोपी या हत्या प्रकरणाच्या मागचा, त्याला पोलिसांनी अटक केली, त्याच्यासोबतच त्याचे 4 साथीदार त्यांना सुद्धा अटक करण्यात आली, मात्र अद्यापही सना खान यांची जी डेड बॉडी आहे ती त्यांच्या परिवारापर्यंत पोहोचलेली नाही आहे, त्या डेड बॉडीचा अजून कुठेही सुगाव लागलेला नाही आहे। त्यामुळे एकंदरीतच जर का आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर येत्या 20 तारखेपर्यंत आमच्याकडून एक मोठी ॲक्शन घेतली जाईल, असं ठाम मत मेहरुनिसा खान, सना खान यांच्या आईचं मत आहे। सुरभी शिरपूरकर, नागपूर, लोकमत।